हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी रिजल्ट अड्डा। दोस्तों, इस वीडियो में बात करूंगा एनडीए के सिलेबस की। इस वीडियो में इसके एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके स्कीम की। तो इसमें दो पेपर होंगे, मैथमेटिक्स तथा जनरल एबिलिटी टेस्ट। मैथमेटिक्स का 2.5 घंटे का पेपर होगा और जनरल एबिलिटी टेस्ट का भी 2.5 घंटे का पेपर होगा। मैथमेटिक्स आपका 300 नंबर का होगा और जनरल अवेयरनेस जो है आपका 600 नंबर का होगा। टोटल 900 नंबर का पेपर होगा। इसके अलावा आपका SSB और इंटरव्यू 900 नंबर का होगा और सारे क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस होंगे। क्वेश्चन पेपर आपका बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। अब बात करते हैं इसके पेपर वन के सिलेबस की। लेकिन इससे पहले बता दें, जो लोग घर बैठे इसकी ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं उन लोगों के लिए अनअकैडमी द्वारा एनडीए के नए बैच स्टार्ट किए गए हैं। तो आप घर बैठे इसका प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेके ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं। और इसमें आपके लिए सबसे बेनिफिशियल ये रहेगा कि आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। आपको केवल एक सब्सक्रिप्शन लेना होगा, उसके बाद आप सभी लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज जो है देख सकते हैं। यानी कि पुराने जितने बैच भी हैं आप उनको भी एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी डेली लाइव क्लासेस होगी अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स द्वारा। लाइव टेस्ट और क्विज करवाई जाएगी। इसके अलावा सिलेबस कवर कराया जाएगा और उसका स्टडी मटेरियल आपको PDF फॉर्म में प्रोवाइड कराया जाएगा। लेकिन अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इसमें प्लस के सारे बेनिफिट मिलेंगे। उसके अलावा लाइव टेस्ट और क्विज करवाई जाएगी, लाइव क्लासेस में आपको प्रायोरिटी दी जाएगी और डाउट सॉल्विंग में आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। तो आप इसका प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले लें। मैंने इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और कमेंट में पिन कर दिया है। तो आप यहां पर प्लान सेलेक्ट करें। प्लान सेलेक्ट करने के बाद आपको टाइम सेलेक्ट करना है, लेकिन ये प्राइस नहीं पे करना है। आप यहां पर SR अड्डा कूपन कोड यूज करें, SRADDA, और अप्लाई बटन पे क्लिक करें। जैसे आप SR अड्डा कूपन कोड यूज करेंगे आपका डिस्काउंट एक्टिवेट हो जाएगा। आप प्रोसीड टू पे पे क्लिक करके इसका प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आप देख सकते हैं इस पे आपको 1457 रुपए का डिस्काउंट मिला है। तो अब बात करते हैं इसके सिलेबस की। पहला पेपर जो कि मैथमेटिक्स का है, ये 300 नंबर का होगा। इसमें आपसे अलजेब्रा से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री पूछी जाएगी और नेक्स्ट यूनिट आपकी है एनालिटिकल ज्योमेट्री, आप 2D एंड 3D। इसके अलावा डिफरेंशियल कैलकुलस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इंटीग्रल कैलकुलस तथा डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पूछा जाएगा, वेक्टर अलजेब्रा पूछा जाएगा और स्टैटिक्स तथा प्रोबेबिलिटी के बारे में पूछा जाएगा। और अगर सेकेंड पेपर की बात करें, पहले पार्ट में आपसे इंग्लिश पूछी जाएगी। इसमें ग्रामर और उसके यूजेस के बारे में पूछा जाएगा, वोकैब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेकेंड पार्ट आपका जो है जनरल नॉलेज का होगा। इसमें आपसे जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, सोशल स्टडीज, जियोग्राफी तथा करंट इवेंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर फिजिक्स की बात करें तो इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी और स्टेट ऑफ मैटर्स, मास, वेट, वॉल्यूम, डेंसिटी तथा स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में पूछा जाएगा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल तथा प्रेशर बैरोमीटर के बारे में पूछा जाएगा, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी तथा एक्सेलरेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फोर्स एंड मोमेंटम, पैरेललोग्राम ऑफ फोर्स तथा स्टेबिलिटी एंड इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज के बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा ग्रेविटेशन, एलिमेंट्री आइडियाज ऑफ वर्क, पावर एंड एनर्जी, इफेक्ट ऑफ हीट एंड मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर एंड हीट, चेंज ऑफ स्टेट एंड लेटेंट हीट तथा मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट के बारे में पूछा जाएगा, साउंड वेव तथा इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पूछा जाएगा, इन सब के अलावा सिंपल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, रिफ्लेक्शन तथा रिफ्रैक्शन के बारे में पूछा जाएगा, स्फेरिकल मिरर तथा लेंस तथा ह्यूमन आइज के बारे में पूछा जाएगा, नेचुरल तथा आर्टिफिशियल मैग्नेट, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट और अर्थ एज अ मैग्नेट के बारे में पूछा जाएगा। इन सब के अलावा स्टैटिक्स तथा करंट, इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर, ओम्स लॉ, सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट, हीटिंग, लाइटिंग तथा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इसके अलावा मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, प्राइमरी तथा सेकेंडरी सेल और यूज ऑफ एक्सरे, इसके अलावा जनरल प्रिंसिपल इन वर्किंग ऑफ सिंपल पेंडुलम, सिंपल पुली तथा सिपोन, लीवर्स तथा बलून पंप्स, इन सब के बारे में आपसे पूछा जाएगा। साथ ही हाइड्रोमीटर, प्रेशर कुकर, फ्लास्क थ्योरम तथा ग्रामोफोन, टेलीग्राफ, टेलीफोन और पेरिस्कोप, टेलीस्कोप तथा माइक्रोस्कोप के बारे में पूछा जाएगा, मैनियर कंपास तथा लाइटनिंग कंडक्ट और सेफ्टी फ्यूजेस के बारे में पूछा जाएगा। सेक्शन बी आपका जो है केमिस्ट्री का है, जिसमें फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में पूछा जाएगा, एलिमेंट, मिक्सचर एंड कंपाउंड, सिंबल तथा फॉर्मूला, सिंपल केमिकल इक्वेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन तथा प्रॉपर्टीज ऑफ एयर एंड वाटर्स के बारे में पूछा जाएगा। इन सब के अलावा प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा एसिड, बेस एंड साल्ट के बारे में पूछा जाएगा, कार्बन एंड डिफरेंट फॉर्म, इसके अलावा फर्टिलाइजर, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर के बारे में पूछा जाएगा, मटेरियल यूज इन प्रिपरेशन ऑफ सब्सटेंस लाइक सोप, ग्लास, इंक, पेपर, सीमेंट, पेन
पेंट, सेफ्टी मैच एंड गन पाउडर, इन सब की आपको नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा एलिमेंट्री आइडिया अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड एटॉमिक इक्विवेलेंट तथा मॉलिक्यूलर वेट वैलेंसी के बारे में पूछा जाएगा। सेक्शन सी जो है आपका जनरल साइंस का है, इसमें आपको डिफरेंस बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग के बारे में पता होना चाहिए। बेसिक ऑफ लाइफ जैसे कि सेल्स, प्रोटोप्लाज्म और टिश्यू के बारे में पता होना चाहिए। ग्रोथ तथा रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में पता होना चाहिए। और एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ ह्यूमन बॉडी तथा इसके इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स की जानकारी होनी चाहिए। कॉमन एपिडेमिक्स तथा उनके कॉज और प्रिवेंशन की जानकारी होनी चाहिए। इन सब के अलावा फूड जिसमें सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मैन, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड तथा बैलेंस डाइट के बारे में पता होना चाहिए। सोलर सिस्टम के बारे में आपको पता होना चाहिए। सेक्शन डी आपका हिस्ट्री और फ्रीडम मूवमेंट है। इसमें आपसे इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी और करंट इवेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद जो है आपका इंटेलिजेंस तथा पर्सनालिटी टेस्ट होगा जो कि दो स्टेज में होगा, और जो लोग पहले स्टेज में क्लियर कर लेंगे उनको दूसरे स्टेज में जाने का मौका मिलेगा। तो पहले स्टेज में आपका जो है ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग OIR टेस्ट होगा, जिसमें पिक्चर परसेप्शन डिस्क्रिप्शन टेस्ट होगा PPNDT। उसके बाद सेकेंड स्टेज में आपका इंटरव्यू होगा, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर टास्क होगा, इसके अलावा साइकोलॉजी टेस्ट होगा और कॉन्फ्रेंस होगी। ये जो है आपका 4 दिन चलेगा। तो जो लोग इसमें सिलेक्ट हो जाएंगे उसके बाद उन लोगों का मेडिकल होगा और उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। तो जो लोग डिटेल में जानना चाहते हैं इस PDF को डाउनलोड कर ले, मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया और कमेंट में पिन कर दिया है। इसके साथ ही इससे रिलेटेड कोई अन्य जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।